हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज मैं कार के एक्सेलेटर जो होता है, जो इसको थ्रोटल बोलते हैं, अभी बैटरी रिक्शा में जो भी काम होता है उसको थ्रोटल बोलते हैं। तो बैटरी रिक्शा में तो इस तरह से लगाते हैं, लेकिन आपको इसमें इस तरह का कार में आता है, और ये भी है और ये भी है। ये तीनों तरह के अलग अलग गाड़ी में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रिपेयरिंग के बारे में आज बताएंगे कि कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। बंगाल से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर बंगला में बोलते हैं आप, तो बंगला में कोई वीडियो नहीं बनाए। तो मैं अमी एटा रिपेयरिंग कोची की कोरे गुरु से तो देख बेन। और ये सब सामान हम अगर पावा जाए जी, कभी लेना हो तो आप मेरे से खरीद सकते हैं, ठीक है जी। और एटा की कोरे रिपेयरिंग हो बे ओटा अमी कोरे दिखा ची। एक देखो एटा एक्सेलेटर थ्रोटल जिसको बोलते हैं, इटा देखो की कोरे रिपेयरिंग कर दिन, इटा खुले दिन। तो अभी हम इसको खोल दिए, खोलने के बाद देखेंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इधर देखिए एक सेंसर है, दिख रहा है सेंसर बढ़िया से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सेंसर है, और ये सेंसर इस मैग्नेट, दो मैग्नेट इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैग्नेट जो है इस सेंसर को ऑन करता है ऑफ करता है। ये जो तार है, ये तीन तार, इसमें ये एक रेड है और ये बीच वाली ब्लैक है, और ये उसकी वो है आउटपुट तार जो ग्रीन वाली होती है इसमें एक्सेलेटर में। जैसे जैसे इसमें जो है ये रेड, ये ग्रीन और ये ब्लैक, तो सेम एर मुद्दे भी सेम आचे। एटा देखो एटा रेड, एटा एटा की आउटपुट ग्रीन वायर, एटा ब्लैक, ठीक है। एखन थी के अपना सेंसर के पिन थी के भी करते पारें, बीच वाला सेंसर के बीच मिडिल पिन टा ग्राउंड थाके, और जन्नो आमी बोलची पिल होल तार टा ये ग्राउंड आचे। तो ये ग्राउंड है पीला वाला तार और पीली वाली तार, और ये ब्लू वाली जो है ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक। सेंसर सेम है जैसे आप बैटरी रिक्शा या टोटो में लगाते हैं, जैसे सेम है। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए सिर्फ आपको ये सेंसर खोलना है, ऐसे चलती सेम और मतुन आचे जेरा जेटा टोटो रिक्शा में जेरा लगाना आचे सेटे सेंसर आचे। ये नंबर टा की आचे सेटा हमें देखे दीची, और वो ये सेंसर सब समय अमर काचे पावा जाए। अपना जब भी इच्छा थक बे जो दरकार थक बे तक हमें कॉल कर बेन, हमें दिए दीब। ये नंबर टा की आचे, ये नंबर, ये नंबर आचे 503 503। देखिए उसमें दिखा ना, दिख रहा है? चलो रन पर आप मेरे से खरीद सकते हैं। अगर ये आपको नहीं भी दिया तो मैं सेम दूंगा जो आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। कभी आप कहेंगे कि सेम नंबर नहीं दिए, चल नहीं रहा, हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये 100% जो मैं दूंगा वो चलेगा, और वो हमारी जिम्मेवारी आ चाहिए कि चलेगा या नहीं चलेगा, वो हमारी जिम्मेवारी है। और कुछ भी नहीं करना है सेंसर में, इसको सेंसर बदलने के लिए बहुत ही आसान बनाया है। ये देखिए, इसको जब हम इसको दबाते हैं, इसको जब दबाते हैं पैर से, है ना, तो ये जो ये मैग्नेट है इसको एक बार ऑन करता है, एक बार ऑफ करता है ना। ये उसी हिसाब से बनाया हुआ कि सेंसर के आसपास में ये घूमता रहे, ज्यादा कोई काम नहीं है दोस्तों। और दादा ये तो सेम एरोम ही आचे रिपेयरिंग कर बेन, ताले ये तो खुले दिवेन, पेज खोल बेन, पेज खोलते के लिए सब इखने छवि आस बे। और यदि आपको कोर्स करना है, मेरे पास सीखना है, तो कभी भी आप कॉल करके आइए। ये देखिए इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसमें सेंसर है, और इसका जो नंबर है, इसका जो नंबर है पहले मैं देख लूं, 49E है जो मैं देता हूं सबको, और ये जो एक्सेलेटर में लगा होता वही है, ठीक है। तो इसमें कलर भी सेम है, आप देखिए ये जो ग्रीन है, एक ग्रीन है, ब्लैक बीच वाला है और रेड साइड वाला है, सेम ओरम ही आचे। ये देखो ब्लैक,
রেড গ্রিন ঠিক আছে কিন্তু এটা পিনটা কাপলারটা আলাদা আছে তো এটা কোনো অসুবিধা নেই আপনি কেটে তারটা জুড়তে পারেন হ্যাঁ না জুড়ে যাবে তো ইয়ে দেখে ইস তরহ সে ইসকো ভি রিপেয়ারিং করনা হ্যাঁ আর ইয়ে ইসকা ম্যাগনেট হ্যায় জো ইসকে আসপাস মে ঘুমতা রাতা হ্যায় জব ইসে হাম দবাতে হ্যায় তো দেখিয়ে হ্যাঁ না ইস তরহ সে হোতা হ্যায় ज्यादा कोई काम नहीं है ऐसा नहीं सोचिए कि ये इस तरह से रिपेयरिंग है या बहुत हैवी है ऐसा कुछ नहीं है ये बहुत सस्ता है मेरे से खरीद सकते हैं भेज दीजिए दादा एक दादा अमर काचे आचे वो सीखते हैं स्टेल तो अमी वो दादा के जिज्ञेस करती ये रिपेयरिंग करते के लिए कोनो बेसिक काज थे हैं बंगला तो बोलो ना असुविधा नहीं कोनो असुविधा नहीं ना এটা মানে কি বাস ডিজাইন টা মনে হচ্ছে যে খুব বড় কোম্পানি কে আছে কিন্তু এটা বেশি কোনো কাজ নেই হ্যাঁ না একই সিস্টেম একই সিস্টেম এটা ওরমই আছে তো মানে দোস্তো মানে আপনাকে বতানা চাহু কি ইয়ে যো হ্যা জব ইসকো ব্রেক সে দবাতে হ্যায় এক্সিলেটর দবাতে হ্যায় গাড়ি মে কার মে ইয়া বাইক উসমে কার মে ইয়া বাস মে জো ভি হ্যায় তো ঠিক উসি তরহ সে ইয়াহা পে সেন্সর লাগা হুয়া হ্যায় जो सेंसर मैग्नेट के आसपास में घूमता है इसको खोलने के लिए इसको मुझे ये पिन निकालना पड़ेगा उसके बाद इसको निकालना है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही आसान है ऐसा कुछ मत सोचिए जो ये रिपेयर नहीं होगा और मैं नहीं कर पाऊंगा जितने बड़े बड़े कंपनी वाला वो सिर्फ वो करेगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप कोई भी रिपेयरिंग करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं जो भी कंपनी का कार होगा या बस होंगे ये सब आप रिपेयर करेंगे ऐसा कोई काम नहीं है तो मैं आपको बंगला में बता दूं कि जैसे अपना ये कार सीखते चाहें ताले अम्मा के कॉल करूं अम्मी एलईडी टीवी इन्वर्टर ये बैटरी रिक्शा के हर किचु अनेक मैंने सब किचु अम्मी रिपेयरिंग करने के लिए सिखाता हूं ठीक है जी जब भी आपको कॉल करना हो या पार्ट्स लेना हो एक्जुम चार्जर यूटीएल चार्जर और किसी चार्जर के चाइनीज चार्जर ओटो अम्मी माल दी দাদা ইয়ে সব সামান আমার কাছে পাওয়া যায় যত কিরো প্রিসেট আছে তারপরে ইয়ে মসফেট আছে ডায়োড আছে সব রিলে আছে সব আমার কাছে পাওয়া যায় যদি আপনার চান তাহলে আমাকে কল করুন সব এক লিস্ট বানানো আছে লিস্টটা আমি পাঠিয়ে দিব ইয়ে ইয়ে ট্রানজিস্টার কি লাগানো আছে ইয়ে আইসি কি লাগানো আছে ইয়ে আইসি কি 10358 আমার কাছে পাওয়া যায় আর এক্সুম চার্জার কে দেখুন এক্সুম চার্জার কে সব কিছু পাওয়া যায় পার্টস যতগুলো চাই আপনার এসএমডি কম্পোনেন্ট যতগুলো আছে সব প্যাকেজ নম্বর 1206 মে এটা এটা প্যাকেজ আছে 1206 তো 1206 প্যাকেজ মে আপকো পাওয়া যায় আমার কাছে বলবেন তাহলে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেব ইয়ে রেজিস্ট্যান্স 1K 5 6 ওয়াট ইয়ে ক্যাপাসিটর ইয়ে মসফেট 48N60 33N60 40N60 সব এখানে আমার কাছে পাওয়া যায় আর ইয়ে 4 পিন ডায়োড 10 25 10 আর তারপরে এখানে যে যে এনটিসি থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স সব এখানে আমার কাছে পাওয়া যায় এই 4148 4.7 5K 3.3 এ সব কিছু এ পিএ 474 100 337 327 যদি চান তাহলে আমাকে কল করবেন আর আমি কোর্সের জন্য বলছি যে এলইডি টিভি এক্সুম চার্জার ইউটিএল চার্জার অটোমেটিক চার্জার রোটারি চার্জার কন্ট্রোলার অল টাইপ তো উসকে কোর্স হাম করাতে হ্যায় আপ কর সকতে হ্যায় আর সিখ সকতে হ্যায় জব ভি ইচ্ছা হো মুঝে কল করকে কম্পোনেন্টস কা লিস্ট লিজিয়ে কোর্স কিজিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ দোস্তো